रुख करते हैं बड़ी खबर का। खबर रायपुर से है, जहां संगठन के कामकाज से सीएम बघेल नाराज दिखाई दिए। समन्वय की कमी और तालमेल नहीं होने से सीएम भूपेश बघेल नाराज हुए। बता दें बीआरओ की सूची छिपाने पर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है रायपुर से, जहां बीआरओ की सूची छिपाने पर नाराजगी जताते हुए नजर आए सीएम भूपेश बघेल। तो वहीं संगठन के कामकाज से सीएम बघेल नाराज दिखाई दिए हैं। समन्वय की कमी और तालमेल नहीं होने से नाराज दिखाई दिए सीएम भूपेश बघेल। दरअसल बीआरओ की सूची छिपाने पर सीएम भूपेश बघेल ने नाराजगी जताई है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां संगठन के कामकाज से सीएम बघेल नाराज दिखाई दिए। मेरे सहयोगी रायपुर से वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, संगठन के कामकाज से सीएम भूपेश बघेल नाराज नजर आए हैं, तो क्या लापरवाही निकलकर सामने आई? देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बात से खासे नाराज हैं कि सत्ता और संगठन के बीच जो समन्वय होना चाहिए, जो तालमेल दिखाई देनी चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। और कई ऐसे मसले हैं जो कि संगठन स्तर पर ले लिए जा रहे हैं, लेकिन उसकी जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसे लेकर के उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इससे मैसेज अच्छा नहीं जाता है। आगामी हमें चुनाव में जाना है और चुनाव की तैयारी हमारी चल रही है, वैसे में अगर सही समय पर सही जानकारी नहीं आएगी तो इससे कमज़ोर पड़ेगी जो तैयारी है वो। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जो अभी निर्वाचन का काम चल रहा है संगठन स्तर पर, उसमें जो बीआरओ की सूची जारी होनी चाहिए थी, वो सूची अब तक जारी नहीं हुई है और इसकी जानकारी भी उन्हें नहीं दी जा रही है। तो सूची छिपाने को लेकर के भी नाराज़गी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी जाहिर की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे मसले हैं जो कि संगठन अपने आप ले लिए रहे हैं और उसकी जानकारी कहीं नहीं पहुँच रही है। जो समन्वय समिति है उसके माध्यम से भी जानकारी आनी चाहिए, वो भी नहीं आ रही है। तो समन्वय समिति से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है, अगर वहाँ तक भी इस बात को छुपाया जा रहा है तो ये सही संदेश नहीं है। तो खुलकर अपनी नाराज़गी उन्होंने कल की बैठक में जारी की थी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। जी देखिए, बिल्कुल बीआरओ की सूची छिपाने पर नाराज़गी जताई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी देने के लिए।